दोस्तों भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई है और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में 70 रनों से हरा दिया है और इस जीत के हीरो रहे मोहम्मद शमी। हाँ, बैट्समैनों ने रन तो बहुत ही बनाए, बैट्समैनों ने रन का अंबार लगा दिया, लेकिन जब बॉलर के विकेट होती है ना, विकेट निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोहम्मद शमी ने ऐसे विकेट भरे सूखे पिच पे भी 7 विकेट निकाल के और वनडे इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय बॉलर की तरफ से ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है। और 7 विकेट कोई मामूली बात नहीं होती है। वनडे में जब बैट्समैन डबल सेंचुरी बनाता है और जब ये 7 विकेट डबल सेंचुरी से भी ज्यादा है मोहम्मद शमी के, और इस सेमीफाइनल के मौके पे उन्होंने 7 विकेट निकाले हैं, तो भारतीय टीम अब 19 तारीख को अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेगी। सिर्फ एक कदम दूर है वर्ल्ड कप जीतने के, तो दूसरा सेमीफाइनल के बाद ही पता चलेगा भारतीय टीम के साथ कौन सी टीम उतरेगी सेमीफाइनल जीत के फाइनल खेलने के लिए। तो भारतीय टीम तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट में दिखी, बैटिंग लाइनअप बिल्कुल एक नंबर, क्योंकि एक नंबर से जो खिलाड़ी आता है रोहित शर्मा जो स्टार्ट दे देते हैं, उसके बाद विराट कोहली के बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर रन बना रहे हैं और इस वर्ल्ड कप में सबके बल्लों से रन निकल रहा है। लेकिन गेंदबाजों ने भी कमाल करके दिखाया और इस पूरे गेंदबाजी यूनिट में जो स्टार्टिंग मैच में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे, उन्होंने ही करके दिखाया। मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में अपने नाम सबसे ज्यादा विकेट लिए और लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं वो एडम जंपा को भी छोड़ के, और इस मैच में उन्होंने 7 विकेट निकाले हैं। 7 विकेट निकालना बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। और मोहम्मद शमी ने जो भारत एक तरफ से ना, जब केन विलियमसन और मिशेल खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड भी भारत के स्कोर तक पहुंच सकती है, लेकिन विलियमसन को आउट करने के बाद मोहम्मद शमी नहीं रुके और उसके बाद बैक टू बैक विकेट निकाल के भारतीय टीम को दिया। जब जरूरत पड़ती थी रोहित शर्मा को तो वो मोहम्मद शमी के पास जाते थे और मोहम्मद शमी ने वो काम भी करके दिखाया और विकेट निकाल के दिखाया, अपने कप्तान की हर भरोसे पे खरे उतरे। तो ये टीम इंडिया की बहुत बड़ी जीत है और इसके बाद फाइनल में और कॉन्फिडेंट के साथ जाएगी, क्योंकि अभी टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के 10 मैच खेली है और 10 के 10 जीत चुकी है और 10 जीत के साथ ही टीम इंडिया सीधा डायरेक्ट फाइनल में खेल रही है और बहुत ही ज्यादा वो कॉन्फिडेंट है। और टीम इंडिया में ना ऐसा है ना, हर प्लेयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। अब कुलदीप यादव को देखो, भले ही कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने विकेट नहीं निकाली हो, हाँ कुलदीप यादव को लास्ट में एक विकेट मिली थी, लेकिन उन्होंने रन बहुत कम दिए जिससे कि प्रेशर और क्रिएट हुआ दूसरे बल्लेबाजों पे, जो वो जल्दी विकेट अपना दे दिया। तो इसके बाद भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट में, क्योंकि हर कोई प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर प्लेयर अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत फाइनल में तो पहुंच गई है, तो भारत फाइनल में क्या करेगी, कौन प्लेयर फाइनल में शतक जमाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि शतक के बहुत ही ज्यादा अब दावेदार हो चुके हैं, हर खिलाड़ी शतक बना चुका है नंबर 1 से नंबर 5 वाला। तो फाइनल में कौन शतक बनाएगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।